हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद मार्केट में एसबीआई के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके थे, क्योंकि अदानी ग्रुप और एलआईसी की तरह ही एसबीआई बैंक के शेयर्स की प्राइस भी गिरते ही जा रही थी, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए सबसे ज्यादा लोन एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास से ही लिया था। तो जैसे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्रैश आया, वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में भी बहुत बड़ा क्रैश आया। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तकरीबन एक महीने में 12% से गिर चुकी है, और इतनी बड़ी गिरावट की वजह से एक महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। तो एसबीआई के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसबीआई के शेयर्स की वैल्यू क्यों गिर रही है, आखिर एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक दिन में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पर अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1.68% से गिर चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12% से गिर चुकी है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स के नीचे गिरने के पीछे का मेजर रीजन है हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे, तो इन सारे एलिगेशन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैंक्स के मामले में सबसे ज्यादा लोन दिया था एसबीआई बैंक ने, तो रिकवर होगा कि नहीं होगा या एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा डर था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यही सोचकर अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ किया था, और कॉमन सी बात है कि जिस कंपनी के शेयर्स में भी सेलिंग बढ़ने लगेगी उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू और गिरेगी। प्राइमरीली लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया और अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी थी। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे का यह है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अनाउंस किया है, और इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब यहां पर जितना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, उतने प्रॉफिट नहीं हुए और उतनी शेयर्स में ग्रोथ नहीं आई। देखो, जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर इस चीज का असर पड़ता है और शेयर्स की प्राइस लगातार गिरने लगती है। इसके अलावा मार्केट में तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि ऐसे बहुत सारे रीजन सामने आए जिसकी वजह से एसबीआई बैंक के एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप पीएसयू सेक्टर में देखेंगे तो एसबीआई बैंक के एनपीएस करंटली बहुत ज्यादा हैं, और अगर किसी बैंक के एनपीएस ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर किसी बैंक के एनपीएस ज्यादा होते हैं तो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, और एनपीएस के इंक्रीज होने की वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी है। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा स्टेबल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.36% का है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,666 करोड़ का है। तो होप करता हूँ कि करंटली आपको एसबीआई बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन करंटली आपको एसबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने एसबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एसबीआई बैंक के शेयर्स को होल्ड करके रखो। लेकिन अगर आप लोगों ने एसबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि करंटली एसबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी हद तक गिर चुकी है, और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, वो भी डबल डिजिट में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।